नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग सही होंगे। कल था 19 जुलाई 2024 और आज मैं वीडियो बना रहा हूँ इस टॉपिक पर जो घटना हुई थी कल, और जो कल घटना हुई थी उसको सुनकर आप सभी लोग यानी कि एवरीवन जो भी कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल इस्तेमाल करता है उसको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, और कोई नहीं जानता है तो ये वीडियो शेयर कर देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके डाटा के ऊपर वीडियो, आपके प्राइसी के ऊपर है, सिक्योरिटी के ऊपर है, क्यों कैसे सब जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं जो घटना घटी कल। कल घटना ये घटी थी कि पूरी दुनिया में, इवन भारत में भी, भारत भी पूरी दुनिया में है ना, पूरी दुनिया में ना जाने कितने करोड़ों लैपटॉप कंप्यूटर सिस्टम बंद हो गए। अचानक से उन कंप्यूटर्स लैपटॉप की स्क्रीन पर ब्लू स्क्रीन हो गई कुछ इस तरीके का। अब ये स्क्रीन क्या है, इसको कहा जाता है कि जब ऐसी स्क्रीन आ जाए इसका मतलब ये है कि आपके कंप्यूटर और लैपटॉप में वायरस मेलवेयर आ गया है। अब क्या करना पड़ेगा, क्या करें? तो बात हमारी जो है छोड़ देते हैं, बात करते हैं उन लोगों की जो कि फंसे हुए हैं बाहर विदेशों में और हर जगह एयरपोर्ट पे, क्योंकि जब ये घटना घटी आपको पता होगा कि आजकल हर जगह कंप्यूटर सिस्टम लगा हुआ है, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो कोई भी ऐसा संस्था हो जो कि पब्लिक सेवा दे रही हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो यानी सरकारी हो, और हर वो जगह ये घटना घटी है। कई लोग एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं, कई लोग जो है रेलवे पर फंसे हुए हैं, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि रेलवे का जो कंप्यूटर सिस्टम है, जो हॉस्पिटल का कंप्यूटर सिस्टम है, और जो यहाँ पर एयरपोर्ट का कंप्यूटर सिस्टम है, वो यहाँ पर डेस्क बता रहा है। अचानक से माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडोज है और उसके जो माइक्रोसॉफ्ट 365 के जो प्रोडक्ट हैं, एमएस ऑफिस जिस पर काम होता है, अचानक से बंद हो गए और कंप्यूटर की स्क्रीन पर ब्लू स्क्रीन ऐसा कुछ दिखने लगी। और ऐसा क्या हुआ, हर किसी को जानने की इच्छा है, सो बात करते हैं इस वीडियो में इसी चीज की, आखिर ये हुआ कैसे। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि हम जो चीज इस्तेमाल करते हैं वो एक गैजेट से है, एक मशीन है, और मशीन भी ऐसा है जो कि ऑफलाइन है, उसको हम इंटरनेट से कनेक्ट करके खुद को ऑनलाइन कर देते हैं। और आजकल के समय में बहुत सारे ऐसे सर्विसेज हैं जिसे हम इस्तेमाल करते हैं ऑनलाइन, और आजकल तो आप देखें तो हर चीज जो है क्लाउड होता जा रहा है, यानी कि आजकल तो जो स्टोरेज है वो भी क्लाउड में, यानी कि जो डाटा आप रखते हैं वो भी क्लाउड पर से होता है। आप देखते हो गूगल फोटोज बैकअप बनाता है, बहुत सारे जो है ऐसे जो एप्लीकेशन है जो आपको फ्री स्टोरेज देते हैं, इवन आपका गूगल पर भी बहुत सारा डाटा है। कैसे, ईमेल आईडी आपका गूगल पर है, फोटो आपका गूगल पर है, वीडियो आपका गूगल पर है, कॉन्टेक्ट आपका गूगल पर है। बात हम कर रहे हैं मुद्दे से भटकेंगे नहीं, बात ये करने वाले हैं कि आखिर जो है हम कितना सिक्योर हैं, कैसे हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। आपको अंदाजा भी है कि अगर हमारा और आपका मोबाइल हैक हो जाए तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, हल्ला मचाने लगते हैं कि हमारा जो है मोबाइल में वायरस आ गया, हमारा मोबाइल हैक हो गया। लेकिन जरा सोचिए कि जो कंपनियां आपको ये स्मार्टफोन देती हैं या इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम डालती हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्रैश कर गया, या फिर जो एप्लीकेशन आप इस्तेमाल करते हैं वो एप्लीकेशन ही क्रैश कर जाए, तो क्या करेंगे। ऐसा हो रहा है, कल हुआ है, और कल ऐसी जो घटना हुई है उससे हर कोई हैरान है, क्योंकि इससे पहले जो घटना हो रही थी वो फेसबुक, आपने सुना होगा फेसबुक का डाटा सर्वर डाउन हो गया, व्हाट्सएप का डाटा सर्वर डाउन हो गया, गूगल का डाटा सर्वर डाउन हो गया, और भी बहुत सारे सोशल मीडिया के जो डाटा सर्वर है वो बंद पड़ जाते हैं, उनका अचानक से सर्वर डाउन हो जाता है। लेकिन ये तो कंप्यूटर में होता था कि कंप्यूटर मोबाइल में हमारा गूगल फेसबुक हम ये एप्लीकेशन इस्तेमाल करते थे, वो अचानक से बंद हो जाता था तो हम कुछ और इस्तेमाल करते थे। लेकिन ऐसा क्या हो जब हमारा मोबाइल और लैपटॉप ही बंद हो जाए तो हम क्या करेंगे, सब ब्लैंक हो जाएगा, और यही हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट का जो प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट 365 में जो ऑफिस होता है, चाहे जितने भी प्रोडक्ट हैं, वो सब कल जो है बंद हो जाए, अचानक से ब्लू स्क्रीन आ गई और कंप्यूटर लैपटॉप सिस्टम सब बंद हो चुके। और ये सब सभी बहुत सारे लैपटॉप पर हुआ है, बहुत लोगों के साथ हुआ है, भारत में भी बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, हालांकि अब जो है इसका सोल्यूशन धीरे धीरे आ रहा है कि भाई एक कोड है आपको जानना है और उसको हटा देना है, वो सब कैसे हटाना है आप
सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर। लेकिन बात आज ये है कि आखिर हमारी सुरक्षा कैसे हो भाई, अचानक से ये हम लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं, लैपटॉप में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, हम लैपटॉप में अपना सारा डाटा रखते हैं ताकि जो सिक्योर, लेकिन क्या लैपटॉप सिक्योर है? अगर आपका, अगर माइक्रोसॉफ्ट का ये प्रोडक्ट, विंडोज का ये प्रोडक्ट अगर हैक हो सकता है, अगर इस पर जो है साइबर अटैक हो सकता है, अगर इस पर जो है जो साइबर अटैक वाले हैं, जो हैकर हैं, इसको हैक कर सकते हैं, सो हम और आप किस कैटेगरी में आते हैं भाई? लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आपका जो स्मार्टफोन में जो एंड्रॉइड सिस्टम है या आईफोन में जो आईओएस है वो काफी सिक्योर है। हाँ, आपका स्मार्टफोन इतना आसानी से हैक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये किसी और सर्वर पर बना हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अलग प्रोग्रामिंग पर बना हुआ है, एंड्रॉइड अलग प्रोग्रामिंग पर बना हुआ है। इसको बहुत टेक्निकल वीडियो हम नहीं बना रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को टेक्निकल आजकल जो है पसंद नहीं आ रहा है। लोगों को ग्लैमर ज्यादा पसंद है, ज्यादा जो है मजाक मस्ती ज्यादा पसंद होता है, तो हम ज्यादा वीडियो को बोरिंग नहीं बनाएंगे। बस इतना समझ लीजिए कि आजकल कुछ भी सेफ नहीं है और आपको किसी भी कंपनी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, खासकर जो कि एप्लीकेशन वगैरह इस तरह की सुविधा देती हो। आपको अपने डाटा की प्राइवेसी सुरक्षित रखनी चाहिए, अपने प्राइवेसी की सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी, यानी कि चाहे वो मोबाइल बैंकिंग हो, चाहे वो जो है कोई भी ऐप हो जो आप सर्विस लेते हैं, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी हो गया हो, चाहे ब्रोकिंग ऐप हो, किसी भी जगह, चाहे ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम जितने भी हो, गूगल इवेंट, आपको इन पर इतना ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए कि सब कुछ जो है प्राइवेसी ओपन करके डाल दो, क्योंकि कल को यहां पर यही चीज हो सकता है, कल को आपका भी इसी तरीके से अकाउंट हैक हो सकता है। जब इतनी बड़ी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज के साथ ये हो सकता है, सो कुछ भी हो सकता है। और आपको पता होगा पूरी दुनिया में ये जब घटना हुई, सो आप सोच रहे होंगे कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कंप्यूटर विंडोज के थे इसलिए ये सब घटना हुई, ये और किसी कंप्यूटर पर क्यों नहीं हुई, क्यों सिर्फ विंडोज पर ही ये घटना हुई? तो इसका कारण ये है कि पूरी दुनिया में जो लैपटॉप कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाता है वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हैं। क्यों? क्योंकि मैकबुक महंगा होता है, विंडोज आसानी से लोग डाउनलोड भी कर लेते हैं और उससे जो है किसी का प्रोडक्ट की लेकर एक्टिवेट भी कर देते हैं, और कितने लोग तो क्रैक वर्जन भी इस्तेमाल करते हैं। सो मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सिक्योर ही रहता है। ऐसा नहीं है कि जो माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडोज है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम लेटेस्ट विंडोज 11 है, सो उसको ऐसे ही, लेकिन यहां पर जो है उन लोग का खुद भी एक सिक्योरिटी सिस्टम होता है जो लगा कर रखते हैं, और जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है उनके लिए, इंस्टीट्यूशन मतलब कि जो बड़ी बड़ी संस्था है उसमें भी अलग अलग सिक्योरिटी लेवल रहता है। सो इस तरह की जो एप्लीकेशन होती है, जो इस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसको सुरक्षा देने के लिए यहाँ पर लैपटॉप में, विंडोज के लैपटॉप में डाला जाता है क्राउड स्ट्राइक नाम का एक एप्लीकेशन है। ये उन लोगों के लिए है जो कि बड़े बड़े, मतलब मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, हॉस्पिटल है, एयरपोर्ट है, जो है रेलवेज है, इस तरह के जो सिस्टम है उसमें डाले जाते हैं ताकि कोई भी मतलब उनके लैपटॉप से, सिस्टम से छेड़छाड़ ना कर सके। मान लीजिए कि मैकफी एक एंटीवायरस हम लोग अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में डालते हैं ताकि हमारे लैपटॉप कंप्यूटर में मैलवेयर वायरस ना आ सके, उस तरीके से ये क्राउड स्ट्राइक है जो कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जो विंडोज के लैपटॉप होते हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है। ये सिक्योरिटी सिस्टम की सुरक्षा करता है, उसको जो है मतलब कोई भी सिक्योरिटी सिस्टम बनाकर आपके लैपटॉप में डाल देगा ताकि जो है कोई भी हैकर आपके लैपटॉप के साथ, क्योंकि उसमें बिलियंस ऑफ लोगों का डाटा रहता है, सो छेड़छाड़ ना हो तभी सुरक्षित हो सकता है। तो क्या करता है वो, ऐसा करता है कि कोई भी आउटसाइड जो है कोई ऐसी फाइल उस ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम में डाले नहीं, या फिर यहां से जो फाइल है वो बाहर ना जाए, यानी इनपुट भी ना हो और आउटपुट भी ना हो, जो सिस्टम के जो एडमिनिस्ट्रेटर है जो काम कर रहा है उसी पर काम करें। सो बात आती है ये सब होने के बाद भाई कि आखिर हम करें, कि हम यूजर क्या करें, कैसे सिक्योर है खुद को। भाई सिक्योरिटी का एक ही चीज होता है, वो होता है आत्मनिर्भर भारत। खुद ही देखो, भारत को भी अपना सब कुछ ये सब बनाना चाहिए, जो अलग अलग जो आईटी इंडस्ट्री के लोग हैं उनको ये सब इस तरह के स्टार्टअप बिल्ड करना चाहिए, बनाना चाहिए चीजों को। इसके अलावा जो हम आप हैं उनको फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल या फिर मोबाइल इवेंट, इसमें बहुत ज्यादा जो है
अपनी गुप्त जानकारी नहीं रखनी चाहिए। अगर हम रखते हैं तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। अगर मोबाइल हैक हो गया तो सारा डाटा गया, अब सामने वाला पार्टी है जो हैकर है वो हमें फोन करके ब्लैकमेल करेगा, हमसे पैसे मांगेगा और हम नहीं देंगे तो हमें ब्लैकमेल करेगा, किसी चीज तरीके से ब्लैकमेल कर सकता है, फोटो की वजह से, वीडियो की वजह से, कुछ हमारी सेटिंग हो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की उसकी वजह से। सो दोस्तों सिक्योर रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मैं राम के प्रजापति मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। ये बोरिंग वीडियो था, मुझे भी बहुत ही बोरिंग लगा, लेकिन कोई नहीं, जरूरत है ऐसी बोरिंग वीडियो को भी देखना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी हमें पता चलता है कि हमें क्या करना चाहिए। सिक्योरिटी जरूरी है आजकल के समय में।